चुनाव है तो नेताजी गली गली घूमेंगे, हर एक वोटर पर हर एक पार्टी की नजर होगी। वैसे लोकतंत्र के लिए चुनाव एक पर्व है और लोकसभा चुनाव तो महापर्व से कम नहीं। गली मोहल्ले, चौक चौराहे, बैनर, पोस्टर और बड़े बड़े होर्डिंग से पटे पड़े हैं। वोटर्स को लुभाने के लिए गीत संगीत का तड़का भी लग रहा है। यानी ये कहा जाता है कि चुनाव में पैसे को पानी की तरह बहाया जाता है। पर क्या सही में ऐसा है कि क्या सही में चुनाव के दौरान पैसा पानी की तरह बहा दिया जाता है? इसका जवाब है नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। दरअसल चुनाव के दौरान पैसा पानी की तरह नहीं बहाया जा सकता, क्योंकि चुनाव आयोग निर्धारित करता है कि एक उम्मीदवार अधिकतम कितना खर्च कर सकता है, जिसमें हर तरह के खर्च के लिए राशि निर्धारित की जाती है, यानी पैसा निर्धारित किया जाता है और कीमतें भी तय की जाती हैं। चुनाव लड़ रहे हर उम्मीदवार को सार्वजनिक बैठक, रैली, विज्ञापन, पोस्टर, बैनर, वाहन, चाय, बिस्कुट, समोसे और गुब्बारे तक का खर्च शामिल होता है। उम्मीदवार को एक एक खर्च का हिसाब किताब देना पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक एक कप चाय की कीमत 8 रुपए, एक समोसे की कीमत 10 रुपए निर्धारित है, बिस्कुट 150 रुपए किलो, ब्रेड पकोड़ा 10 रुपए पीस, सैंडविच 15 रुपए पीस और जलेबी की कीमत 140 रुपए किलो तक तय की गई है। मशहूर गायक को अगर कोई बुलाता है तो उसकी फीस 2,00,000 रुपए तय की गई है। इस समय यानी 2024 लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी 95,00,000 रुपए तक की राशि खर्च कर सकता है। खर्च की पूरी रिपोर्ट को एक रजिस्टर में दर्ज करना होगा। तय की गई लिमिट से अधिक खर्च करने और खर्च का विवरण प्रस्तुत नहीं किए जाने पर प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में खर्च की लिमिट 70,00,000 तय की गई थी। इस बार इस धनराशि को 25,00,000 रुपए बढ़ा दिया गया है। वहीं चुनाव के दौरान प्रत्याशी के प्रचार के लिए चलने वाले वाहनों का किराया भी तय किया गया है। छोटी कार 80 किलोमीटर चलने पर और नॉन एसी पर 1,000 रुपए और एसी पर 1,100 रुपए रेट तय किया गया, जबकि एसयूवी के 200 किलोमीटर चलने पर नॉन एसी 2,400 रुपए और एसी के 2,800 रुपए तय किए गए हैं। डीलक्स बस के 10,000 और मिनी बस के 3,500 रुपए किराया तय किया गया है, जबकि फॉर्च्यूनर का किराया 8,000 रुपए, बीएमडब्ल्यू का ऑडी A3 से A4 का किराया 10,000 रुपए, ऑडी A5 और A7 का किराया 12,000 रुपए तय किया गया है। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान अगर किसी के पास 50,000 से ज्यादा नकदी मिलती है तो उनको उसका स्रोत और मकसद बताना होगा। स्रोत या उद्देश्य नहीं बताने पर राशि जब्त कर ली जाएगी। यही नहीं, चुनाव के दौरान किसी व्यक्ति के पास 10,00,000 रुपए या इससे अधिक राशि मिलती है तो तुरंत इसकी सूचना आयकर विभाग को दी जाती है। 10,000 रुपए से अधिक कीमत के पोस्टर, निर्वाचन सामग्री, ड्रग्स, मदिरा, हथियार या उपहार मिलते हैं जिनका उपयोग प्रलोभन के लिए किया जा सकता है तो उसे भी जब्त किया जाता है। अब तक 2,00,000 रुपए तक की रकम लेकर चलने पर उसका प्रमाण पत्र, बैंक रिकॉर्ड या रुपए के लेन देन का ब्योरा लेकर चलना होता था, लेकिन अब इस राशि का दायरा बढ़ाकर 10,00,000 रुपए तक कर दिया गया है। वहीं लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी 95,00,000 रुपए तक खर्च कर सकता है। खैर, हाल ही में देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैसे की कमी के चलते चुनाव नहीं लड़ने की बात की थी। 2019 में निर्मला सीतारमण ने अपनी कुल संपत्ति 2,00,000,000 रुपए से ज्यादा बताई थी, लेकिन अब वो कह रही हैं कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में हर लोकसभा उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार में किए गए खर्च की अधिकतम सीमा 95,00,000 रुपए है, यानी आसानी से वो 95,00,000 रुपए तक खर्च कर सकता है। वहीं विधानसभा उम्मीदवार के लिए यह सीमा 40,00,000 रुपए तय की गई है, फिर भी उन्होंने ये बात कही। खैर, चुनाव में पैसे को पानी की तरह बहाया जाता है, ये आम धारणा है, लेकिन हकीकत में एक एक वोट का हिसाब किताब होता है। एक वोट के लिए कितना खर्च हो रहा है सबका लेखा जोखा रखा जाता है, और ये आज की बात नहीं है। जब से चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई है तब से आजादी के बाद से अब तक के हिसाब किताब मौजूद है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।